भयंकर बुराई का वो अंधेरा है परियों, जिसे बालवीर नाम का सूरज अब कभी नहीं मिटा पाएगा। डूबोगी तो तुम और तुम्हारा ये घमंड। इधर आज बालवीर का अंत हुआ और उधर छल परी जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक से हासिल करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे। अब तुम मुझसे बच के कहां भागोगे? माफ करना छल परी, लेकिन इस जीवन आत्मा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जीवन आत्मा, नहीं छोड़ूंगी। ओ मोहतरमा, पहले पकड़ तो लो फिर मत छोड़ना। तोबा तोबा, बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। शबा शबा छल परी, यहां तो कहीं नहीं दिखाई दे रही वो जीवन आत्मा, लेकिन जाएगी कहां? तौबा तौबा, तुम उसे रसोई में ढूंढो और मैं यहां ढूंढती हूं। इस बार वो बच के नहीं जानी चाहिए। जाओ। है ये तो नींद में। ए जीवन आत्मा, आ जाओ मेरे सामने, नहीं होगा कुछ भी छुपने से। देखो दे रहा हूं मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी, इसके बाद में नहीं होगा कोई मुझसे बुरा। वैसे भी तुमसे बुरा कोई नहीं है तौबा तौबा। हैं? हैं? अच्छा है तू यहाँ, अभी पकड़ता हूँ तुझे। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। चोट तुमने मुझे दी है उससे कहीं ज्यादा दर्द अब मैं तुम्हें दूंगी। ए जीवन आत्मा, अब होगा तेरा खात्मा। अभी पता चलेगा कि मेरा खात्मा होता है या तुम दोनों यहाँ से भागते हो। अच्छा छल परी, मारिए छल परी, छोड़ना मत इस जीवन आत्मा को, मारिए। Thank you.
छल परी हुआ क्या ये? ए, छल परी इधर है उड़े हुए आपके होश और उधर है आरा सबको होश। ये देख ये क्या हुआ सबको? महर वो कौन है? पता नहीं मानस तू डर मत मैं हूं ना मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर बालवीर ए छल परी सुन करीर क्या आवाज आ जाएगा बालवीर एकदम से कीजिए कुछ छल परी। लेकिन जीवन आत्मा अरे छल परी इस समय कीजिए अपनी आत्मा की चिंता चलिए यहाँ से। बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर 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 होश में आओ चलो से होश में दगड़दम दगड़दम कभी नहीं आएगा होश में बालवीर। लेकिन भयंकर परी अगर बालवीर की कुछ सांसें बची है तो हमारा हो जाएगा हमेशा के लिए दगड़दम दगड़दम दगड़दम। ठीक है गोबा गोबा अगर तुम्हें अब भी संदेह है कि बालवीर को होश आ जाएगा तो मैं अपने अगले वार से ये संदेह भी पूरा कर देती। नहीं रुक जाओ भयंकर परी हमारे होते हुए तुम बालवीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बालवीर पर वार करने के लिए तुम्हें हम सब का सामना करना पड़ेगा। नहीं हो तुम मेरा सामना करते करते बालवीर बालवीर मैं बालवीर नहीं आ रहा है। हाँ मुझे लगता है बालवीर किसी और काम में फंस गया होगा। तो अब उसे कैसे बताएं कि यहाँ क्या हुआ है और सब ठीक कैसे होंगे? महर सारे घर वाले जाग रहे हैं। अरे हाँ जल्दी से अंदर चल वरना अगर सबने हमें दोस्त के साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चल 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 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नींद से उठा हूं? पर हम तो गाना सुन रहे थे ना। महेश किचन में भी आटा बिखरा पड़ा है पता नहीं कैसे। अरे स्मिता तुम ही ने बिखेरी होंगी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सुंदर गाना चल रहा था तुम उसमें खो गई होंगी। नहीं नहीं मोटा भाई भाभी नहीं खोई है वो जो बापूजी को गाना सिखाने आई थी ना वो खो गई है। ये, ए, वो कहाँ गई? ये कहाँ गई? मुझे लगता है बापूजी को वो गाना नहीं सिखा पाए इसलिए वो भाग गई है। महेश रॉकी का मतलब ये हुआ कि अब मैं गाना नहीं सीख पाऊंगा? शुक्र है अब कम से कम अब तो आपका संगीत सीखने का शौक छोड़ दीजिए। ठीक है अब मैं संगीत सीखना छोड़ दूंगा। सच्ची? बाबूजी, जाने दीजिए छोड़िए होता है, हैं? जाने दीजिए। महेश बाकी सब तो ठीक है लेकिन इस सब में हम एक चीज तो भूल ही गए। क्या? वो जो संगीत सिखाने आई थी वो टीचर कहीं घर का कुछ सामान तो चोरी करके नहीं लेकर गई होगी। अरे तो यहाँ खड़े खड़े मीटिंग क्यों कर रहे हो सामान ढूंढो चलो। शाबाश करो इनके प्यारे बालवीर पर वार और मिटा दो इसका नामो निशान।
बालवीर बच गया, पर अब तुम दोनों मुझसे नहीं बचोगे। भयंकर एक हवा है बालवीर, जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कभी कैद नहीं कर सकते। अगर तुम हवा हो तो मैं वो तूफान जिसके आगे आज तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। हे झगड़ धूम, हमें मारने की नहीं विचित्र गुप्त को बचाने की सोचो, क्योंकि विचित्र गुप्त हमारे कैद में है। कर परी, अब सब ठीक तो है ना? बालवीर आप हमारी चिंता मत करो। ठीक है माँ। माँ, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि ये पाताल लोक है, यहाँ सिर्फ बुराई के पंख उड़ान भर सकते हैं। हाँ, इसीलिए भयंकर परी ने पाताल लोक को चुना, क्योंकि यहाँ हम सब परियों की शक्तियाँ आधी हो जाती है। चले जाओ, वरना कोई तुम्हें देख लेगा। लेकिन महर, तू दोस्त को इस बैग में क्यों बंद कर रही है? क्योंकि हम दोस्त को भी बास्केटबॉल मैच में लेकर जाएंगे। इसके ऊपर खतरा बढ़ गया है ना, इसलिए हम उसे अकेले घर में नहीं छोड़ के जा सकते। ये आइडिया तो सही है, और इसी बहाने हमारा दोस्त हमारा मैच भी देख लेगा। हाँ। चल अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। नहीं तो बताबा, हो सकता है बालवीर ने यहाँ कोई जाल बिछाया हो, इसलिए हम बच्चों के पीछे जाएंगे
और जैसे ही वो खेल रहे होंगे हम भीड़ का फायदा उठाकर जीवन आत्मा को वहां से चुरा कर निकल जाएंगे। वाह छल परी वाह, पड़ेगी देनी दाद आपके कबार की। दिमाग जीवन आत्मा, इस बार तुम मुझसे बचकर कहां जाओगे? क्या हुआ भयंकर परी, इतने गुस्से में क्यों? लगता है बालवीर ने तुम्हारा ये हश्र किया है। ए विचित्र गुप्त, चिल्लाने से क्या फायदा? तकड़धुम तकड़धुम तकड़धुम, मैंने तो पहले ही कहा था कि सही रास्ते पर आ जाओ, पर तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। अब भी समय है, मुझे आजाद कर दो, नहीं तो एक बार बालवीर आ गया तो मुझे तो आजाद कर दे, लेकिन तुम दोनों का क्या होगा सोच भी नहीं सकते हो तुम दो। चुप, चुप रहो। सोच तो तुम भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारा क्या हस्त करूंगी। भयंकर परी, मेरी बात मान लो और मुझे आजाद करो। मैं बालवीर से कहूंगा कि वो तुम्हें और इसे तुम दोनों को माफ कर। विचित्र गुप्त, भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। अब तक तो तुम विचित्र गुप्त जी की वजह से बची हुई, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अच्छा, बालवीर मुझे बचाओ। विचित्र गुप्त जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी भयंकर परी से आपको आजाद करा था। बालवीर, बालवीर कुछ करो, नहीं तो मैं भी खाई में गिर जाऊंगा, जल्दी करो। चलो बच्चों, दादाजी के भी पैर छू लो। बस बेटा बस। बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ये मैच जीतो, पर हार भी जाओ ना तो पूरे जोश और साहस से उनका मुकाबला कर, क्योंकि हर वक्त खेल का मकसद हार या जीत नहीं होता, उससे भी बड़ा होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा, ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। चलो बाय 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 बेटा बाय। बच्चों याद रखो, आज तुम्हारे पास 40 मिनट और ये 40 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो जाओ और जी भर के खेलो। सर, बच्चे बास्केटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं, नौकरी मांगने नहीं। मालूम है मुझे, जानता हूँ। बच्चों आज तुम्हें किसी से नहीं डरना है, पूरी हिम्मत से खेलना, और मैं जानता हूँ कि ये मैच तुम जीतोगे। मुझे मालूम है कि सामने वाली टीम के खिलाड़ी तुमसे कद में लंबे हैं। मैं ये भी जानता हूँ बच्चों कि वो तुमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन बच्चों फिर भी तुम्हें हौसला नहीं हारना है, तुम्हें अपनी पूरी हिम्मत से खेलना है। Yes, sir! और बच्चों वो बास्केटबॉल के चैंपियन है, वो आज तक कोई मैच नहीं हारे। सर, आपको हमें डराना नहीं है, हमारा हौसला बढ़ाना है। नहीं मोंटू, मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें हौसला दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज का मैच सिर्फ तुम जीतो। Yes, sir! वो रहे मानव और महर। All the best. बस अब जहाँ कहीं भी महर वो जीवन आत्मा वाला बस्ता रखेगी, मैं उसे उठा लूँ
और किसी को पता भी नहीं चलेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.